हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति, स्वागत है आपके अपने किचन प्रत्यांश किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छोले वाले पनीर और बाटी। तो चलिए हम छोले की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम काबुली चने लिए हैं और यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये लिया है मैंने छोटे छोटे दो दालचीनी के टुकड़े और यहाँ पर दो मैंने बड़ी इलायची ली है। इन सारी चीज़ों को हम प्रेशर कुकर में डाल के और इसे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसे 3 विसल आने तक पकाना है, वो भी मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है फ्रेंड्स। तो हम अपने काबुली चने और आलू को और दालचीनी के टुकड़े और ये दो बड़ी इलायचियों को डाल देंगे और इसे इसका ढक्कन लगा लेंगे और 3 विसल आने तक वेट करेंगे। और जब प्रेशर कुकर बिल्कुल ठंडा हो जाए तो ही इसको खोलें। और इसमें हम पानी ऐड करेंगे, 1 kg मैंने पानी ऐड किया है। आप चने के ऊपर तक पानी ऐड करें फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे केवल चने का भी, काबुली चने का भी छोले वाले पनीर बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल के हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और इसे गैस पे चढ़ा देंगे। देखिए, जब तक हमारे ये काबुली चने और आलू पक रहे हैं तब तक हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए हैं और 4 मैंने प्याज लिए हैं और 4 मैंने हरी मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और मैंने यहाँ पे 15 से 17 लहसुन की कलियाँ ली हुई हैं। कम तीखा, कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और भी मिर्च ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो डालेंगे यहाँ पर हम 1 टीस्पून जीरा। गैस की फ्लेम मीडियम है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने डाला है काली मिर्च और ये दालचीनी का टुकड़ा है छोटा सा। यहाँ पे जो आपको गरम मसाले पसंद नहीं है उसे आप निकाल सकते हैं। 2 इलायची है, हरी इलायची जिसको मैंने खोल के डाल दिया है, 2 तेज़पत्ता है और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हींग डाली है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर इसे भूनेंगे हम जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा। और जो मैंने प्याज लिए थे ना 4, उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है और इसमें हम डाल के इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, मसालों को भूनने से जो हमारी सब्ज़ी का टेस्ट आता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। तो इसे हम और भी भूनेंगे बिल्कुल अच्छे से, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए, जो हमारे प्याज हैं वो अच्छे से भून चुके हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे ड्राई मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और ये मिक्स मसाला है, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। तीनों चीज़ों को मैंने एक ही में मसाले तैयार किए हैं तो मैंने एक ही बार में डाल दिया है। और मैंने 1.5 स्पून डाला है, 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ऐड की है, इसको क्रश कर लेना है हाथों से, उसके बाद डाल के इसको मिक्स करके और कुछ देर के लिए भून लेना है। और जब मसाले भून जाएँ तो इसमें हम ऐड करेंगे अपने 4 पिसे हुए टमाटर को और इसे भी हमें अच्छे से भूनना है। देखिए, जब तक कि हमारे ऑयल रिलीज ना हो जाए तब तक हमें उन मसालों को भूनना है। और इधर हमारे जो प्रेशर कुकर है बिल्कुल ठंडा हो चुका है और जो हमारे आलू और काबुली चना है देख लेते हैं। देखिए, तो जो काबुली चना है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो इसे हम थोड़े स्पैचुला से इसे मैश कर देंगे ताकि थोड़ी सी थिकनेस आ जाए इसमें। देखिए, अगर आप आलू नहीं डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे थोड़े से काबुली चने को निकाल के और अलग प्लेट में रख के उसे मैश कर लें और उसे ग्रेवी में ऐड करें। मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। देखिए, तो हमारे जो काबुली चने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। देखिए, मैंने प्लेट में अलग से चने निकाल के और मिक्स कर लिया है और इसमें हम ग्रेवी के जो मसाले भून रहे हैं उसी के साथ इसे भी कुछ देर के लिए भून लेंगे। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने, भाई छोले पनीर हम बना रहे हैं तो पनीर डालना तो बनता है ना, तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट किया है। और मसालों से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे अपने काबुली चने और आलू को और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के और कुछ देर पकाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने पहले नमक डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी नमक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने थिकनेस के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर लिया है। आपको जितनी थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से आप पानी ऐड करें। देखिए, जो हमारे
छोले वाले पनीर हैं उसमें एक उबाल आ चुका है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने पनीर को। जब उबाल आए तो ही आप पनीर को ऐड करें और इसे मिक्स करके हम इसे ढक के फिर से हम 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम ज़बरदस्त। आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और फ्रेंड्स चलिए हम बाटी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे फाइनली चॉप्ड कर लिया है, और यहाँ पे मैंने एक ही अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ मैंने 7 से 8 ली हैं, इसको मैंने कूट लिया है। ये अजवाइन है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे मंगरेल लिया हुआ है, स्वाद अनुसार नमक ली। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 नींबू का टुकड़ा, और ये मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब मैंने लिया है भुने हुए चने का सत्तू। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। देखिए नींबू को हम निकाल देते हैं, बाद में इसे निचोड़ के और इसका जूस हम निकालेंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स ये बाटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मैंने पहले भी एक बाटी की रेसिपी डाली है बाटी चोखा की, तो आप मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ मैंने नींबू का रस ले लिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर सरसों तेल। सरसों तेल यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है फ्रेंड्स, तभी इसका टेस्ट आएगा हमारे बाटी में। छोले तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे, लेकिन एक बार छोले और बाटी मेरे तरीके से बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये तैयार कर लिया है अपने स्टफिंग को, बाटी के स्टफिंग को, और मैंने आटा गूंथ के पहले से ही रख लिया है। और मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ही आटा लिया है, गेहूँ का आटा मैंने लिया है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक पेड़ा बना लूँगी इसका, और मैंने कटोरी का शेप दिया है जिससे कि स्टफिंग को इसमें आसानी से भर सकते हैं। देखिए तो इसमें हम स्टफिंग को अपने भर लेंगे, और इसे अपने अंगूठे की मदद से दबाते हुए उंगलियों को घुमाते हुए अच्छे से इसको गोल गोल घुमा के, और जो पार्ट है उसको अच्छे से बंद कर देंगे, और जो अधिक आटा जैसे दिख है उसे निकाल देंगे। देखिए तो मैंने एक बाटी तैयार कर ली है। ऐसे ही हम अपने सारे बाटियों को तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक और बाटी बना के दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, बट आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए फिर से हमें पेड़ा बनाना है, उसे एकदम कटोरी का शेप देना है, और उसमें स्टफिंग को अपने भर देना है, और जो एक्स्ट्रा आटा होता है उसे हमें निकाल देना है। देखिए हमने कटोरी का शेप दे दिया है इसे, और इसमें अपने स्टफिंग को डालेंगे, और फिर से वही हमें काम करना है, अपने अंगूठे की हेल्प से इसको दबाते जाएंगे और उंगलियों के से चारों ओर ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल लेंगे कट करके। देखिए बहुत आसान है इसे बनाना। चलिए अपने छोले को तब तक देख लेते हैं, ऐसे हम सारे अपने बाटियों को तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ बार सारे बाटियों को तैयार कर लिया है, और अपने छोले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए जो हमारे छोले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैगी मसाला, आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मैगी मसाले का पैकेट लिया हुआ है। अगर आप गरम मसाला डाल रहे हो तो यहाँ पे गरम मसाले आप 1 टीस्पून डालें और इसे मिक्स करें। यहाँ पर मैंने फ्रेश हरे धनिया के पत्ते ली है, इसे चला के और 1 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। तो इसे हम ढक देते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुके हैं, जो हमारे गरम मसाले या मैगी मसाले जो हमने डाले हैं बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, और हमारे जो छोले वाले पनीर हैं बिल्कुल रेडी हैं, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। चलिए तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए ग्रेवी बहुत अच्छी है, आप इसे पराठे, रोटी, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बट हम यहाँ पे छोले के साथ, छोले वाले पनीर के साथ हम बाटी बनाए हैं, आज उसका टेस्ट लेते हैं कैसा लगता है। तो जो हमारे छोले हैं बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए हम अपने बाटी को तल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने पहले से ही तेल गर्म होने के रख दिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए
तो ही इसमें बाटी डालें। तो देखिए एक तरफ से हमारी जो बाटी है वो सिक चुके हैं, तो इसे हम पलट देंगे और इसे हम मीडियम आंच पे ही सेकेंगे, नहीं तो नीचे से जो बाटी है वो जल जाएंगे। तो जो हमारे बाटी हैं, मैंने बहुत छोटे छोटे बाटी बनाए हैं, और आप फ्रेंड्स आपको भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप भी जो बाटी बनाएं छोटे छोटे ही बनाएं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसे। तो हमारे जो बाटी हैं बन के बिल्कुल रेडी हैं, तो हम इसे निकाल लेते हैं और अपने छोले वाले पनीर के साथ सर्व कर लेते हैं। जो हमारी बाटी बने हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी बने हैं, आपको देख के ही पता लग रहा होगा। तो चलिए हमने इसे सर्व कर लिया है, आप देख सकते हैं जो हमारे छोले वाले पनीर और बाटी हैं बिल्कुल रेडी है बनके। तो कैसी लगी फ्रेंड्स ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। चलिए हम आपको इसे तोड़ के भी दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है फ्रेंड्स देखिए, और टेस्ट में तो कोई कमी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। देखिए खाइए और अपने अनुभव प्रत्यांश किचन में शेयर करें। थैंक यू।